दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अन अकेडमी के द्वारा महाराष्ट्र सेट दिसंबर 2020 के लिए एक अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़ आने वाली है। इसके अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट रिवीजन करवाई जाएगी 15 दिन के अंदर, और इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और ये पूरी 150 आवर की फ्री लाइव क्लास होगी अन अकेडमी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं आसिमा नेगी, नवदीप कौर हो गए और अंकित राजवीर हो गए, ये आप सभी देख सकते हैं टॉप एडुकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करनी है तो दोस्तों ये लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन दोनों लिंक पे क्लिक करना, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी, अगर आप महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल निमीजी नेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। और दोस्तों अगर आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड चाहिए, प्लस में एड फ्री वीडियो चाहिए, कम्प्लीट स्टडी नोट्स चाहिए और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता करना है तो आप हमारी ऐप निमीजी नेट, ये येल्लो कलर में जो आइकन है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको 1100 प्लस लाइव मॉक टेस्ट चाहिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, तो दोस्तों आप हमारी ये ऐप ग्रीन वाली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के दोनों ऐप दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर है, आप निमीज नेट सर्च करना, दोनों ऐप आ जाएगी। और या फिर आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 6। आज की क्लास में हम जानेंगे वर्कशॉप क्या होती है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर है, सिंपोजियम क्या है, कॉन्फ्रेंस और रिसर्च प्रबंध क्या है, इन सभी के बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। और ये सभी टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी है, इनमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अन अकेडमी के द्वारा महाराष्ट्र सेट दिसंबर 2020 के लिए एक अल्टीमेट रिविजन सीरीज़ आने वाली है। इसके अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट रिवीजन करवाई जाएगी 15 दिन के अंदर, और इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और ये पूरी 150 आवर की फ्री लाइव क्लास होगी अन अकेडमी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं आसिमा नेगी, नवदीप कौर हो गए और अंकित राजवीर हो गए, ये आप सभी देख सकते हैं टॉप एडुकेटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करनी है तो दोस्तों ये लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन दोनों लिंक पे क्लिक करना, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करवाया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी, अगर आप महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रिसर्च पेपर डिज़ाइन की बात करते हैं। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि रिसर्च पेपर लिखना ज़रूरी होता है, रिसर्च कर रहे होते हैं तब। तो ये होता क्या है एक्चुअली? देखिए, रिसर्च पेपर एक छोटे स्तर पे शोध हम कह सकते हैं, छोटे स्तर पे शोध की जाती है और जिसको किसी पुस्तक के अंदर प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए शैक्षणिक प्रकाशन की एक विधि है। इसमें किसी शोध पत्रिका, जर्नल में लेख प्रकाशित किया जाता है या किसी संगोष्ठी में किसी विषय पर एक लेख पढ़ा जाता है। इसमें हम क्या है कि किसी पुस्तक में भी इसको प्रकाशित कर सकते हैं, मैगजीन वगैरह में, या फिर कोई रिसर्च वर्कशॉप है उसके अंदर, सेमिनार वगैरह उसके अंदर भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। प्राय शोध पत्रों का प्रकाशन कुछ विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा करके जांचने के बाद ही संभव होता है। ऐसा नहीं है कि इसे हम डायरेक्ट हमने कुछ भी लिखा और वो पब्लिश हो गया, नहीं। जो हम लिखेंगे वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए और उसको जांचेंगे, वहाँ पे जो टीचर वगैरह बैठे हुए हैं वो सभी उसको अच्छे से जांचेंगे, उसके बाद ही उसको पब्लिश करेंगे। शोध प्रपत्र लिखने का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता, प्रत्येक शोधकर्ता अपने ढंग से पेपर लिखता है और पेपर का निजी प्रारूप होता है। रिसर्च पेपर के अवलोकन तथा अनुभव के आधार पर एक व्यापक रूपरेखा विकसित की जा सकती है। एक उत्तम प्रकार की रूपरेखा
रिसर्च पेपर के प्रारूप को तैयार करने में सहायक होती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि इसने यहाँ पे बताया हुआ कि इसकी कोई वैसे कोई गाइडलाइन नहीं है कि इसकी रूपरेखा ये होनी चाहिए, ये स्टेप होने चाहिए, ये कोई अभी तक फिक्स नहीं है, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ स्टेप ऐसे हैं जो हर रिसर्च पेपर लिखने वाले को ध्यान में रखने ज़रूरी है। देखिए इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ जो स्टेप है। सबसे पहले प्रस्तावना आती है दोस्तों, भूमिका आती है, उसके बाद में विषय वस्तु आती है, कंटेंट आता है हमारा, फिर मुख्य अंग आते हैं, और उसके बाद में शोध के प्रमुख निष्कर्ष आते हैं। और वैसे हमने एक और क्लास ली हुई है पहले, अगर आपको ध्यान में हो तो, हमने स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में बात की थी। उसके अंदर अलग 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 रिसर्च के क्या क्या स्टेप होते हैं उसके बारे में भी हमने रिसर्च पेपर के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। और उसमें हमने ये भी बताया हुआ कि उनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं स्टेप ऑफ रिसर्च से, तो वो क्लास भी आप ज़रूर देखना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हम प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं, तो प्रस्तावना में शोध की समस्या की स्पष्ट रूप से परिभाषा दी जाती है, शोध का प्रमुख आशय प्रस्तुत किया जाता है और इसके महत्व का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। जो प्रस्तावना होते हैं, भूमिका होते हैं, उसके अंदर ये होता है। उसके बाद में विषय वस्तु के अंदर क्या होता है, शोध प्रपत्र का रूप रचनात्मक तथा आलोचनात्मक होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। देखिए जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं उसके अंदर सभी चीज़ें होनी चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि आलोचनात्मक भी होनी चाहिए और रचनात्मक भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम रिसर्च पेपर के अंदर किसी विषय को लेके उसकी तारीफ ही तारीफ की जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक समीक्षा होनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों चीज़ें उसके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रपत्र के रचनात्मक पक्ष में शोध की प्रमुख क्रियाओं को क्रमशः प्रस्तुत किया जाता है, आलोचनात्मक पक्ष में शोध में कार्य एवं निष्कर्षों का विवेचन आलोचनात्मक ढंग से किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी दोस्तों, हमें अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए हर चीज़ का। प्रपत्र के इस अंग का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि जो कुछ शोध में किया जाए उसको प्रस्तुत किया जाए। अब आगे बात है दोस्तों हमारा शोध निष्कर्ष, इसके अंदर क्या होता है, शोधकर्ता को अपने प्रमुख निष्कर्षों को, कथनों को प्रस्तुत करना होता है, निष्कर्षों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क भी देने होते हैं। ये वही बात आ गई दोस्तों, इसके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को हमें बताना होता है निष्कर्ष के अंदर, भाई हमारी निष्कर्ष में, हमारे शोध में क्या अच्छा निकला क्या बुरा निकला, ये दोनों चीज़ें हमें बतानी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है कार्यशाला या वर्कशॉप। देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे प्रैक्टिकल कार्य हो तो वहाँ पे क्या होगा, वर्कशॉप होगा। वर्कशॉप कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है, जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। देखिए वही बात आ रही है ना बार बार, इसके अंदर प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इसमें बातचीत के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा किया जाता है। अधिकतर कार्यशालाएं निमंत्रित सदस्यों द्वारा आरंभ की जाती है, भागीदारी दी गई समस्या का विषय पर कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके अंदर वही है दोस्तों, इसमें इनवाइट किए जाते हैं अलग अलग विशेषज्ञ और उनके द्वारा उन पे बात शुरू की जाती है। और वही है दोस्तों, इसके अंदर मेन इसका मतलब यही है कि इसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें की जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और कार्यशाला से रिलेटेड पहले क्वेश्चन आए हैं, इसमें कार्यशाला के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, विभिन्न संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना, विभिन्न उद्देश्य एवं विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण करना। आगे हम बात करते हैं, किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने तथा उसके व्यवहारिक पक्ष के महत्व को समझना। अब देखिए जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको हम व्यवहारिक रूप से किस तरह से समझ सकते हैं। अब जैसे हम छोटी सी बात करते हैं
कि आजकल वेब सीरीज देखने से हमारे समाज पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है। ये हमने मान के चलिए बुक्स में पढ़ ली, न्यूज़पेपरों में पढ़ ली, अब हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब मान लो वर्कशॉप के अंदर 6 ऐसे लड़के लेके आए, उनके जीवन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा, उनको हम प्रैक्टिकली दिखाएं सभी लोगों को भी। देखिए वेब सीरीज देखने से इन लोगों की जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ा है आप देख सकते हैं, तो वो क्या होगी, वो हमारी प्रैक्टिकल होगी। और अगर उसी चीज़ को हम न्यूज़पेपर में या फिर कहीं बुक्स वगैरह में पढ़े तो वो क्या होगी, थ्योरेटिकल चीज़ होगी। तो यानी कि उसके व्यवहारिक पक्ष को समझने के लिए भी वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से भाग लेने तथा कार्य करने की योग्यता का विकास करना। इसमें देखिए कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमारे कार्य करने की योग्यता क्या है, इंक्रीज होती है। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि एक बुक दे दी जाए या फिर वीडियो दिखाई जाए कि जो रोटी है इस तरह से बनती है, एक चकला वो लो, गोल चीज़ लो और उसके ऊपर बेलन इस तरीके से करो, वो चाहे 1 करोड़ बार वीडियो देख ले दोस्तों, वो कभी भी रोटी बनाना नहीं सीख सकता। रोटी बनाना कब सीखेगा वो, जब वो खुद बेलन और चकला लेके उस पे प्रैक्टिस करेगा, आड़ी टेढ़ी तिरछी बनेगी, उसके बाद ही वो अच्छे रोटी बनाना सीखेगा। तो इसीलिए ये वर्कशॉप होती है दोस्तों, प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखते, इससे हमारे हमारी योग्यता में इम्प्रूवमेंट आता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा है संगोष्ठी या सेमिनार। संगोष्ठी भी एक सभा होती है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है। अब देखिए जैसे संगोष्ठी सेमिनार के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, प्लस में परिचर्चा डिस्कशन की जाती है इसके अंदर। किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर होती है। संगोष्ठी जो होती है जो दोस्तों छोटे लेवल पे होती है, संगोष्ठी अधिक सीमित एवं औपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि सम्मेलन अधिक विस्तृत एवं अनौपचारिक प्रकृति का होता है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही है और इन्हीं में से क्वेश्चन करीब 3 बार आ चुका है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। संगोष्ठी या सेमिनार जो होता है दोस्तों वो छोटे लेवल पे होता है, सीमित लोग होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जो डिस्कशन होते हैं वो औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी हमारे रूम के अंदर मान के चलिए 15 लोग बैठे हैं तो उनसे हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, बात करते समय आई कॉन्टैक्ट बना सकते हैं और सभी 15 लोग हमारी बात को अच्छे से सुनेंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा एज ए सेमिनार हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सम्मेलन की बात करें, ये आगे आएगा, ये देखिए नीचे कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, सम्मेलन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि बड़े लेवल पे सम्मेलन में हो सकता है 1,000 लोग हो, 1,000 लोगों में कोई व्यक्ति स्टेज पे भाषण दे रहा है तो वो क्या कह रहा है, लास्ट का व्यक्ति हो सकता है अपने मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा हो या क्या कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो हमें नहीं पता। तो वहां पे क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, अनौपचारिक कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि हमें नहीं पता स्टेज के लास्ट में पंडाल में जो व्यक्ति बैठा है वो क्या कर रहा है, हमें नहीं पता होता, तो वहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। जबकि सेमिनार के अंदर क्या होता है, सीमित लोग होते हैं और उसमें कम्युनिकेशन अच्छा होता है, उसके अंदर हम डिस्कशन कर सकते हैं, ये इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। और इसमें से दोस्तों क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये बात आप ध्यान रखना, आगे भी इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो हमारी विचार गोष्ठी है वो कैसी हो सकती है, लघु विचार गोष्ठी हो सकती है, मुख्य विचार गोष्ठी या फिर मध्य विचार गोष्ठी भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी भी हो सकती है, ये चीज़ आप देख लेना। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्फ्रेंस की, अभी हमने बात की थी ऊपर कॉन्फ्रेंस के बारे में। सम्मेलन समूह के व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावनाओं एवं राय को एक समान उद्देश्य के लिए सलाह मशवरा एवं परिचर्चा करने को कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस के अंदर जैसे ऊपर भी बताया कि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और उसके अंदर जो बात की जाती है ना दोस्तों, वो बात ऐसी की जाती है जो सभी के लिए कॉमन हो, उसके अंदर हम किसी एक व्यक्ति के लिए बात नहीं कर सकते, उसके अंदर सभी के लिए लागू होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे वो होती है चुनाव की रैली होती है, तो जो नेता लोग हैं ऐसी बात करेंगे जो पूरी जनता के ऊपर लागू हो, पूरी जनता को भाए वो चीज़, ऐसी बात उसके अंदर हम करते हैं।
यह एक प्रकार की सभा होती है जहाँ सदस्य अपने ज्ञान का संग्रह करते हैं, प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचार और दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, इसके अंदर ज्यादातर तो ज्ञान का संग्रह होता है, इसके अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन बहुत कम होता है। सभी लोग अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, बहुत कम होता है इसके अंदर। सम्मेलन में यदि सदस्य अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं, मुख्य रूप से दोस्तों सम्मेलन और सेमिनार के अंदर यही डिफरेंस होता है कि जो सेमिनार होता है वो छोटे स्तर पे किया जाता है और ज़्यादा फॉर्मल होता है, ज़्यादा औपचारिक होता है। लेकिन कॉन्फ्रेंस क्या है, कॉन्फ्रेंस बड़े लेवल पे की जाती है और कम औपचारिक होती है, ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है। और इसके अलावा अगर कोई ये बातें आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों परिसंवाद सिंपोजियम की बात करते हैं। जब एक से अधिक व्यक्तियों की राय के अनुसार कोई निर्णय लेना होता है तो ऐसे सभी व्यक्तियों को आपस में बैठकर उस विषय पर वार्तालाप करना होता है। तो वहां पे क्या होता है, परिसंवाद या सिंपोजियम होता है, जहाँ पे कोई समस्या है, समस्या पे सभी व्यक्तियों को बैठ के समाधान निकालना होता है, अपनी अपनी राय देनी होती है, तो वहां पे क्या होता है, परिसंवाद होता है। इस वार्तालाप को परिसंवाद का नाम दिया जा सकता है। विस्तृत अर्थ के रूप में परिसंवाद सामूहिक निर्णय लेने की एक ऐसी तकनीक है जिससे अधिकांश अथवा सभी लोग उस निर्णय के पक्ष में हो, यानी कि उसके अंदर जो भी निर्णय निकलता है दोस्तों उसके सभी के पक्ष में होता है। स्टडी के आधार पर प्रश्नों की चर्चा करनी पड़ती है। यहाँ पूर्ण छात्र छात्राओं के समूह को विषय पर परिचर्चा करने के लिए लगभग 20 मिनट का समय दिया जा सकता है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों शोध प्रबंध लेखन, इसकी विशेषताएं एवं प्रारूप क्या है। रिसर्च डेजर्टेशन या फिर थीसिस राइटिंग, ये हमारे लिए जरूरी है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पीछे की क्लास में आपको दिखाया भी था। देखिए, जो भी हम पीएचडी कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें थीसिस लिखनी होती है, डेजर्टेशन लिखनी होती है, तो उसका प्रारूप क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेप तो मैंने आपको पीछे की जो क्लास है उसमें बताए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमें थीसिस क्यों लिखनी होती है, डेजर्टेशन क्यों लिखनी होती है, क्योंकि इसी के आधार पर रिसर्चर को डिग्री दी जाती है और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। इसके ये दोस्तों हमारे जो एमफिल हम लिखते हैं उसके अंदर लिखनी हो सकती है, या फिर जो पीएचडी है उसके अंदर लिखनी ज़रूरी होती है। और इसके इसको हम एज ए बुक कह सकते हैं या फिर एक ग्रंथ कह सकते हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा हमारा रिसर्च वर्क होता है, हमने कहाँ से शुरू किया था, क्या क्या डेटा कलेक्शन किया और हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया है, और रेफरेंस हमने कहाँ, रेफरेंस बिबलियोग्राफी सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। और शोध प्रबंध लेखन को काफ़ी नामों से जैसे शोध प्रबंध, शोध निबंध तथा शोध विवरण अथवा शोध लेख आदि से पुकारा जा सकता है। दोस्तों ये सभी एक ही चीज़ है, लेकिन एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए हमें ये अलग-अलग नाम दे दिए जाते हैं। और इनके जो स्टेप है ना दोस्तों, स्टेप मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप हमारे स्टेप ऑफ रिसर्च वाली वीडियो देखना, उसके अंदर जितने भी मुख्य रूप से हमारे रिसर्च होते हैं उन सभी के स्टेप हमने वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों इवनिंग में जो हम थ्योरी करवाते हैं उसी का सुबह हम लाइव मॉक टेस्ट भी लेते हैं, उसके अंदर हम 2012 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन उसमें हम कवर अप करवाते हैं। आपको लाइव मॉक टेस्ट कैसे लेना है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारी ऐप निमिज नेट इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको चैट के ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए चैट का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये आएगा फरवरी 2021 बैच वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम डेली के डेली लिंक डालते रहते हैं, जैसे सुबह 9 बजे हमारा लाइव मॉक टेस्ट होता है तो हम इसको रात को या सुबह 7 बजे इसमें लिंक डाल देते हैं, आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन भी आ जाता है, या फिर आप मैनुअली ऐप में आके यहाँ पे चैट पे भी इस लिंक को ले सकते हैं और बिल्कुल आसानी से हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।